हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको फॉर्म भरना है, और कैसे भरना है एक एक प्रक्रिया मैं बताऊंगा, बहुत स्लो और बहुत आराम से। आपको क्या करना है, ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। देखिए, ये लिंक है bhuet.nta.nic.in। ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे भी मिल जाएगा, या फिर आपको और भी जो सोर्सेज हैं हमारे व्हाट्सएप, या आप कमेंट करोगे हमें तो कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो ऐसे इंटरफेस खुलेंगे। आप मोबाइल से कैसे करना है मैं वही बताऊंगा, ठीक है? आपको कहीं भी और इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको ढूंढना है रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET PET। PET मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, UET मतलब जो है अंडर ग्रेजुएट। और इसके बारे में क्या क्या यूईटी और यूटी, ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मैम ने वीडियो बनाया है, मैं टैग कर दूंगा, यहाँ राइट साइड में आपको दिख जाएगा, आप वहां से देख करके और उसको देख लेना, समझ लेना। फिर हम देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आपको डाउनलोड करने का मन हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, ये 122 पेज का है, थोड़ी देर में आपके पेज में डाउनलोड होगा और आप इसको सेव कर लेना, ठीक है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, काफी सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे सब पे वीडियो बना रहा हूँ। इसकी सीरीज ही आएगी, कब से कब फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स कि आप इसको फॉर्म को जो है ना 7 सितंबर से पहले भर लेना। तो आपको क्या करना है, आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? आराम आराम से फॉर्म भरना, हड़बड़ा के नहीं। मेरा रिक्वेस्ट मानो आप सब, आराम आराम से भरो, आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो, कल आराम से सेकेंड पार्ट भरना। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत गलती होती है दोस्त जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने में, मैंने पिछली बार बहुत लड़कों को परेशान होते देखा, और आप ना परेशान हो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? अब आप रजिस्ट्रेशन, आपको मान लो पीजी कोर्स में करना है, जैसे एमए एमएससी इन सब कोर्सेज में, तो आप यहाँ दबाओगे। अगर आपको बीएआर सोशल साइंस एलएलबी इन सब में करना है तो आप यहाँ दबाओगे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है? तो ये इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। अब ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? अब ये चीजें आपको दिखा, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो साइन इन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे सेकेंड स्टेप क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें ऐसे दबाएंगे, हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे। तो अब इसमें कुछ चीजें आएंगी, जैसे इसको आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहला प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप मैट्रिक इंटर में कितना पढ़े हो। इमेज अपलोड तीसरा होगा, इमेज अपलोड में बड़ा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से इमेज अपलोड में क्या दिक्कत होती है, ये मैं एक अलग पार्ट में लेकर के आऊंगा वीडियो। आपको कैसे अपने सिग्नेचर को मोबाइल से एडिट करके और फॉर्म कंप्लीट करना है, उतने ही KB का हो ऐसा कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये मैं बताऊंगा आपको, अगर आज ही चाहिए तो हमें बताइए, हम कल सुबह तक ये वीडियो लेकर के आएंगे। फिर लास्ट में फी पेमेंट करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर फॉर्म कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको बताएगा, जनरल के हो तो 600 लगेगा, ठीक है? और अगर शास्त्री कोर्सों के लिए ये 400 है, लेकिन अगर SC ST हो तो 300। और अगर मान लो एक से ज्यादा आप कोर्स भरते हो, यहाँ भी ये लिखा हुआ है क्लियरली चीज, एक से ज्यादा भरते हो तो 400 प्लस 400 प्लस 400 ऐसे जुड़ता जाएगा जनरल वाले के लिए। मान लो आपने 3 कोर्स भरा, 600 प्लस 400 प्लस 400, अगर SC ST है तो पहला हो जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 200, समझ गए? ये चीजें हमने पहले भी बताई हुई है, ये डिस्क्लेमर आपको पढ़ लेना है। अब इसमें बहुत सारे काम की चीजें हैं, जैसे कि सिग्नेचर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये कैसे करना है मोबाइल से ही मैं बताऊंगा, ठीक है? 4 KB से 30 KB के बीच में। फिर जो है फोटोग्राफ साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और इसमें 80% फेस आपका दिखना चाहिए, ये सब है। व्हाइट बैकग्राउंड में ले लेना, एक फोटो आपके पास होता ही है जनरली। ये सब इंस्ट्रक्शन आराम से आप पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पिछली बार बहुत परेशानी हुई थी सबको, जो भी अभी रजिस्ट्रेशन में फोन नंबर और आप अपना ईमेल ID देंगे, उसकी पासवर्ड सब कुछ आपको याद होना चाहिए, कहीं एक जगह ऐसे डायरी में लिखना जो आप भूल नहीं पाओ, नहीं तो बाद में बहुत रोते हैं लड़के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ क्या क्या पूछेगा, आवेदक का नाम, मैंने अपना ही नाम डाल दिया, मान लो यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है? फिर फादर्स नेम भी मैंने कुछ डाल दिया, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैंने यहाँ डाल दिया, ये आपको यहाँ हिंट भी देगा हर चीज का। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जेंडर ये हमने डाल दिया। फिर आइडेंटिटी टाइप में ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासपोर्ट, वोटर ID, पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड, और ये जो है पैन कार्ड। अब इसमें जो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट
तो ये आप डाल दिया गवर्नमेंट आईडी में। अब इसमें बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आधार तो है ही नहीं, पैन है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आपके पास जो हो उसका नंबर डालना पड़ेगा। एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ में ये आधार नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। अब यहाँ उसको डाल देना, अदरवाइज आपके पास बैंक पासबुक है, स्कूल आईडी कार्ड है तो आप स्कूल आईडी कार्ड डाल दो, स्कूल एंटर स्कूल आईडी कार्ड, यहाँ पे आप स्कूल आईडी कार्ड पे जो नंबर होगा उसको डाल सकते हो। फिर एड्रेस हम डाल देंगे, लोकेलिटी में एड्रेस, मान लो हमने कुछ भी एक्स वाई जेड, आपको एक एड्रेस में लिखने में ये ध्यान रखना है कि सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये सब नहीं लिखना है। सिंपल आप लिख दोगे पांडे, पांडेपुर, ठीक है, कैपिटल में कोशिश करना है सबको लिखने का, PNDEY पांडेपुर, और हमने लिख दिया वाराणसी, ठीक है। तो यहाँ लोकेलिटी में भी यही सेम एड्रेस मान लो हमने कॉपी करके इसमें डाल दिया, ठीक है, पांडेपुर वाराणसी, ठीक है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस, अब आपने लिख दिया कि हमारा जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, बहुत लोग बनारस के हैं लेकिन वो हॉस्टल ले लेते हैं। अब आपने मान लो बिहार सेलेक्ट किया या फिर यूपी सेलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका यूपी, और इसमें आपने जिला लिख दिया, क्या लिख देंगे आप, आगरा, बनारस, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फोन नंबर विद स्टडी कोड अगर है तो, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों बड़ा जरूरी चीज है। हमने ईमेल एड्रेस वही नंबर हम दे देते हैं जो हमारा आप लोग के पास है, व्हाट्सएप नंबर हमारा 70525 व्हाट्सएप नंबर भी है, और आपको कोर्स पेमेंट करना है तो आप इसी नंबर पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा ईमेल एड्रेस, मान लो हमने कुछ भी दे दिया, ईमेल एड्रेस यहाँ जो दोगे वो वैलिड होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ डाल दिया मान लो कि ऐसे करके, और आपका कुछ नंबर होता है, ठीक है, और @gmail.com, लेकिन याद रखना ईमेल बहुत आराम से लिखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आराम आराम से फॉर्म भरो। ईमेल और ये नंबर दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको हमारी पेड कोर्स लेनी है तो 750 में एंट्रेंस तक हम लोग रीजनिंग और जीके जीएस की कोर्स हमने स्टार्ट की हैं, और अगर आपको सिर्फ जीके जीएस की कोर्स चाहिए तो 499 में, और रीजनिंग के अलग कोर्स है 399 में, कोर्सेज ज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, सारे सिलेबस खत्म कर दोगे तो आपको ठीक रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ईमेल और फोन नंबर ये चालू रहना चाहिए, कभी खोए ना, और इस पे इनकमिंग आउटगोइंग हो ताकि मैसेज आ पाए, क्योंकि अभी ओटीपी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, इस ईमेल आईडी पे एक फंक्शन जाएगा, और परमानेंट एड्रेस पे हमने अगर यही रखना है तो हम इसमें लगा देंगे, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, पासवर्ड आपको चूज करना है, अब ध्यान यही देना है, यही पासवर्ड आपको पूरे बीएचयू में रहेगा, और मेरा भरोसा मानिए, पिछली बार आप वीडियो भी जा करके देख लेना, बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, पासवर्ड जो भी आप रखो वो अपने आप से, आप एकदम ऑनेस्टली उसको कहीं इसी समय, फॉर्म अभी आप भर रहे हो तो इसी समय कहीं नोट करो जो कॉपी या डायरी आपसे खोए ना कभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ भी करो। फिर आप यहाँ पासवर्ड डालना, फिर उसको रीचेक डालना, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर मान लो पासवर्ड आप भूल गए हो तो जनरली इसमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया व्हाट इज योर नेम फर्स्ट स्कूल, तो मेरा स्कूल था शिक्षा सिंधु, है ना, तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो अब हमें ये याद रखना होगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डायरी में लिख लेना कि सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था, इस तरीके से आंसर होगा। पासवर्ड इसलिए मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये रिस्की होता है, ठीक है, पासवर्ड आपको डाल के एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वाले लड़कों को नहीं सिखाना है, ये आपको डालना है बहुत अच्छे से। मान लो ये आपने डाला और गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, तो सिक्योरिटी पिन चेंज कर दो, या आपको हार्ड लग रहा है तो आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इस पे दबाएंगे ये चेंज हो जाएगा, और इसको चेंज करके अच्छे से डाल के, और फाइनली आपको सबमिट बटन दबा देना है, लेकिन उससे पहले सब कुछ फिर से चेक कर लेना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एंड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, आराम से फॉर्म भरना है, कोई हड़बड़ी नहीं, थैंक यू सो मच।